वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। हसनापुर विधानसभा सीट से जिस पार्टी का प्रत्याशी जीतता है उसी की सरकार प्रदेश में देश में बनती है, यह एक सवाल भी हो सकता है। और पिछले अनुभव को देखा जाए तो सत्य भी, अपवाद सभी जगह हैं, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कामोवेश इस पर अपनी मोहर लगा दी। हसनापुर विधानसभा क्षेत्र के मवाना में कोतवाल धन सिंह की प्रतिमा का अनावरण सपा सुप्रीमो ने मंगलवार को किया। भारी जमा भीड़ देखकर अखिलेश गदगद थे। तभी जाते हुए वह सपा के संयोजक अतुल प्रधान व पूर्व विधायक योगेश वर्मा को हेलीकॉप्टर में अपने साथ भी ले गए। जिस तरह भीड़ जमा हुई, उसने हाल ही में सपा की साइकिल पर सवार हुए पूर्व विधायक के इलाके में अपनी पकड़ साबित कर दी। 2012 के विधानसभा चुनाव करीब 42,000 वोट पाकर योगेश वर्मा ने यह भी साबित कर दिया है कि उनका पार्टी से अलग होकर भी अपना अलग वजूद है। बसपा से निष्कासित होने के बाद इस चुनाव में योगेश पीस पार्टी से लड़े थे। बसपा सरकार के भारी दबाव व विरोध के बावजूद बसपा प्रत्याशी प्रशांत गौतम अपनी जमानत जब्त होने से नहीं बचा पाए थे। बसपा सुप्रीमो के सामने तब ये बात बड़ी शिद्दत से उठी थी कि पार्टी से अलग होने के बावजूद योगेश वर्मा 42,000 वोट कैसे पा गया। और रही बात योगेश वर्मा की बसपा में वापसी होने का आधार बने, बीते मंगलवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मेरठ में मवाना के नवजीवन किसान डिग्री कॉलेज परिसर में शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। शहीद दिवस के मौके पर आयोजित होने वाला यह समारोह लगभग स्थगित हो गया था, लेकिन राजनीतिक नए समीकरण के तहत करीब आए अतुल प्रधान योगेश वर्मा की जोड़ी समारोह व सभा कराने में सफल रही। सभा के दौरान सभा संयोजक अतुल प्रधान या पूर्व विधायक योगेश वर्मा ही पूरे समय छाए रहे। सभा में जिस तरह से भीड़ जुटी उसे देखकर जहां अखिलेश यादव संतुष्ट नजर आए, वहीं विपक्ष के सामने वह एक बड़ी चुनौती खड़ी करके चले गए। अतुल प्रधान व योगेश वर्मा की जोड़ी के साथ गुर्जर, मुस्लिम, दलितों का जो समीकरण बनकर उभरा है, निश्चित रूप से वे भाजपा के लिए किसी परेशानी के सबब से कम साबित नहीं होगा। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डाली जाए तो 2017 में भाजपा के दिनेश खटीक भारी मतों से जीते थे। करीब 65,000 वोट योगेश वर्मा और सपा के प्रभु दयाल को करीब 48,000 वोट मिले थे। यदि दोनों ही जुड़ जाते हैं तो भाजपा प्रत्याशियों को मिले वोटों से अधिक हो जाते हैं। हाल ही में 2017 में योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा ने भाजपा प्रत्याशी कांता कर्दम को महापौर के इलेक्शन में हराया था। भाजपा की कांता कर्दम 2007 में भी योगेश वर्मा से हसनापुर विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं। महापौर चुनाव हारने के बाद ही कांता कर्दम को उपहार स्वरूप राज्यसभा सदस्य बनाया गया। SC/ST एक्ट में बदलाव को लेकर 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान हिंसा कराने के आरोप में पूर्व विधायक योगेश वर्मा को गिरफ्तार कर रासुका में निरुद्ध कर दिया गया था। माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद योगेश वर्मा की दलितों में पकड़ और नजदीकी और ज्यादा मजबूत हुई है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।